देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, आज कोई हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम खाली सीखेंगे कि परचेज कैसे करते हैं, पैरामीटराइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं परचेज के अंदर आएंगे एंड देन परचेज करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखिए आपके पास एक टॉपिक है जिसमें हमें चाहिए शॉर्ट नंबर और क्वांटिटी, तो आप इसको पहले भी अनेबल कर सकते हो। तो क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एफ दबा दीजिए, देन आपका फीचर ऑप्शन खुल जाएगा एंड देन आप इन्वेंट्री पे जाएंगे। इन्वेंट्री के बाद आपको मिलेगा अनेबल पैरामीटराइज डिटेल। सबसे ऊपर इस टॉपिक की हेडिंग दी गई है और इसमें स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर मैक्सिमम तीन डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें एक चाहिए, तो हम कितने डालेंगे यहाँ पर, एक, और इसको एक डालेंगे, बोल देंगे शॉर्ट नंबर। यहाँ पर शॉर्ट आ गया एंड देन सेव। प्रीडिफाइंड और ओपन, प्रीडिफाइंड तब यूज़ करते जब हमारे पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नंबर हर बार चेंज आएगा तो इसमें प्रीडिफाइंड नहीं करेंगे। देन सेव, देन सेव। एक टॉपिक और था जिसका नाम होता है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, इस तीनों पर भी टिक करेंगे। देन सेव हो गया। अब देखिए, देन आप जाइए कहाँ पर, परचेज 4/8 बिल नंबर 750 38, देन यहाँ पर एग्जाम पार्टी का नाम है द सुपर इंडिया, ग्रुप में सैंडी क्रेडिटर्स, इसको नो करेंगे देन एफ टू करके सेव। ठीक है, यहाँ मेन स्टोर, क्या आइटम खरीदी हमने, क्लॉथ, तो हम एफ थ्री करेंगे, लिखेंगे क्लॉथ 1, देन किस में आ रहा है, मीटर्स में, तो यहाँ पर हम डाल देंगे मीटर्स, और एक पीस की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, तो 10 रुपये डाल के सेव करेंगे। देखिए जैसे हमने वो टॉपिक को अनेबल करा तो हमारे पास आ गया पैरामीटराइज डिटेल, यस, हम अगर यस करने तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। देन सेव। कितनी क्वांटिटी हम इसको भरने, तो ठीक आप चाहो तो भर भी सकते हो और नहीं तो इसको जीरो छोड़ दीजिए। जैसे ही पॉपअप आएगा यहाँ बताइए, शॉर्ट नंबर 1 की क्वांटिटी 110 है, शॉर्ट नंबर 2 की 120, 130, 140, 150, 160, 170, 18, 180, 9 आपका 190 एंड देन 200। ठीक है, देखिए अब आपका काम खत्म हो गया। अब आप जैसे आप F2 करेंगे आपका ऑलरेडी सेफ हो जाएगा। देखिए क्वांटिटी कितनी है आपकी 1550, और जैसे आप इस पर ओके क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ क्वांटिटी आ जाएगी। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज, अगर मैं 500% डाल दूंगा तो बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 0 रखेंगे और यहाँ बोल देंगे 500। देन F2 करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तीनों, हाँ, ये वाउचर नंबर डालना पड़ेगा। देन बिल नंबर 4 को खरीदा है जिसका नाम, पार्टी का नाम आर ट्रेडर्स है, ठीक है। देन तारीख 4 थी, बिल नंबर है, देखो बिल नंबर ये है, सीरियल नंबर देखा है। देन यहाँ एग्जाम पार्टी नेम आर ट्रेडर, तो आर ट्रेडर डाल देंगे, ठीक है, और ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर्स, इसको नो करेंगे। देन सेव। कितनी क्वांटिटी, क्या खरीदा हमने, चेन ऐसा बटन रिपीट, तो इसमें पैरामीटर की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल आप बनाएंगे बटन्स। पीस में आ रहे हैं तो यहाँ पीस डालेंगे, एक पीस की वैल्यू कितनी है 2 रुपये, सेल प्राइस डालने की जरूरत नहीं होती, आप इसको नो कीजिए देन सेव कीजिए। कितनी क्वांटिटी, 10,000। देन यहाँ पर अस्तर, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप अस्तर, मीटर, यहाँ मीटर डाल देंगे, ठीक है। देन सेव, गलती हुई है तो F9, देन दोबारा हम चैन लिखेंगे 10,000। देन चैन की बिल्कुल सेम है, बस इस टॉपिक को नो करते जाना है। अस्तर, मीटर, जिसमें जरूरत है उसमें यस कीजिए, बाकी नो कर दीजिए, सेव। कितनी क्वांटिटी आपकी, 2000 मीटर, तो 2000 डाल देंगे। देन आपका बटन, तो आप बटन डाल देंगे यहाँ से, बटन आपका मीटर्स में, तो मीटर्स, सॉरी पीस में, तो पीस में डाल देंगे यहाँ पर। देन एक पीस की, देन और उसमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं, तो उस टॉपिक को नो कर देंगे। देन क्वांटिटी हमारी है 40,000, तो 40,000 डाल देंगे। देन हमारे पास रिपीट है, तो रिपीट डाल देंगे, रिपीट हमारी कैसी, केजी में, केजी डाल देंगे, कितना 20 रुपये रेट है। देन पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, तो उस टॉपिक को नो कर देंगे एंड देन सेफ। देन क्वांटिटी हमारी, देन हमारे पास टेप है, तो हम यहाँ पर एफ सी करके टेप बनाएंगे, टेप भी हमारी केजी में, तो यहाँ केजी लिखेंगे, और एक पीस की वैल्यू है इनकी 40 रुपये, तो 40 रुपये। लेकिन इसमें हमने पैरामीटर टॉपिक नो नहीं करा, तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे इंटर मारूंगा पॉपअप आ जाएगा,
लेकिन वो दिक्कत देगा, इसलिए इसको दोबारा जाएंगे, इसको नो करेंगे एंड गलती हुई है तो F9 दोबारा से आइटम का नाम टाइप करें। कितनी क्वान्टिटी 500, तो 500 डाल देंगे। देखिए एक मेरे कितने का अमाउंट भेजा, 1,00,000 रुपये, लेकिन उसने 1,000 रुपये का हमें डिस्काउंट भी दिया है। तो आप यहाँ पर F2 करके नीचे आएंगे और बोलेंगे डिस्काउंट, यहाँ लिख देंगे 1,000। देन इसके बाद पैकिंग हमें बिल में जोड़नी, तो F3 से बनाएंगे क्या पैकिंग, बिल में जोड़नी तो एडिटिव देन अदर, और यहाँ पर कर देंगे पर एब्सोल्युटली अमाउंट और सेफ, कितना 1,000 रुपये, तो आपका बिल सेफ हो गया। कहाँ पर यस नहीं किया वो बैठ, अभी वो उसकी ज़रूरत नहीं है ना, वो नॉर्मल है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे जब जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आपका बिल कितना बन गया, 1,00,000 रुपये का बिल है और आपका भी 1,00,000 रुपये का है, तो इसको सेव करेंगे। ठीक है, और इसमें डाल देंगे 0.20, देन सेव हो गया। ये तो हो गई आपकी वन पैरामीटर है। इसके बाद हमारे पास एक नई कंपनी है जिसका नाम है जनवरी गारमेंट, तो मैं एक नई कंपनी क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं इसको बंद करता हूँ एंड फटाफट एक कोई भी कंपनी बना लेता हूँ, ये नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, द न्यू इंडिया 1, देन F2, देन फटाफट सेव कर दिए। देन देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट सारा वही है। हमने किस पार्टी से खरीदा, हमने वेनसडे पार्टी से खरीदा है। ठीक है, क्या आइटम खरीदिए, डायनम F1N, जिसमें हमें शॉर्ट नंबर, साइज नंबर और कलर है और टोटल क्वांटिटी, तो 4 बॉक्स है। ठीक है, क्वांटिटी तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा पैरामीटर में। ठीक है, तो अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, कन्फिगर के अंदर, परचेज के अंदर, यहाँ से करें। लेकिन हमें पहले टॉपिक को होता है तो हमें यहाँ पर ही आके इसको अनेबल कर लेना चाहिए कि हम बार बार क्यों करें। तो कहाँ जाएंगे, पैरामीटराइज डिटेल के अंदर, कितनी चाहिए, हमें 3 चाहिए तो 3 डाल देंगे। 3 हमारा पहला शॉर्ट नंबर, तो शॉर्ट नंबर डालेंगे। देन हमारे पास साइज, साइज डाल देंगे। देखिए साइज हमारे लिमिटेड होते हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्री डिफाइंड यूज़ कर लेंगे। प्री डिफाइंड में साइज 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कलर है, तो यहाँ से हम कलर बना लेंगे। ठीक है, देन देन रेड, ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया, देन परचेज में जाएंगे दोबारा हम लोग, परचेज के अंदर आए। ठीक है, तारीख कितनी है, 5 तारीख। ठीक है, 10/1, देन एग्जाम, पार्टी का नाम F3 से बनाएंगे, क्या चीज़ नाम है, ग्रुप में संडी क्रिएटर्स और नो कर देंगे। क्या आइटम खरीदी हमने, डायनम F, तो यहाँ पर डाल देंगे FIF। किस में आता है, मीटर में, तो मीटर डाल देंगे। रेट कितना हमारा, मीटर में आता है किलो, तो ऑलमोस्ट कितना 20 रुपये, सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी, 1550, तो 1550 डाल देंगे। इंटर मारेंगे तो आगे शॉर्ट नंबर 1, साइज 22, कलर आपका रेड, क्वांटिटी 110, देन शॉर्ट नंबर 2, साइज 24, देन
येलो क्वांटिटी 120, देन इसके बाद शॉर्ट 3 साइज 26, वाइन कितना 130, 4 28 कितना, ब्लू तो ब्लू कितनी 140, 5 आपका 30, रॉयल 150, 6 आपका 32, बी रॉयल देन आपका 160, 7 आपका 34, सी ग्रीन देन आपका 170, 8 आपका 36, वाइट इंटेक्स कंपनी 180, 9 38 रेड 190, देन आपका 10 आपका 40, देन आपका येलो कितना 2000, अपने आप आ जाएगा, पॉपअप अपने आप आ जाएगा। देन उसने क्या किया, 1000 रुपये डिस्काउंट ऐड करना है, लेकिन देखो डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा यहाँ से घटते हैं ना, तो इस पर आप ओल्ड प्लस एम कीजिए, देन यहाँ पर सब्सक्रिप्टेड होता है, आपको एल टिप करना होगा, देन एफ टिप, गलती हुई है तो F9 देन डिस्काउंट कितना 1000 रुपये, और F2 करके सेव कर देंगे। हाँ डिस्काउंट कभी जुड़ता है, वैसे घटता है हमेशा, जुड़ता कभी नहीं है, लेकिन देन आगे अभी देखिए सेम वही परचेज है। अब हमने क्या आइटम खरीदी है, शर्ट खरीदी है, तो अब 2 तारीख बिल नंबर 110 पार्टी का नाम है रोहित, शर्ट तो F3 से बनाएंगे शर्ट, देन यहाँ पर मिनिस्टर देन कितना 20, तो 20 डाल देंगे, पैरामीटर की जरूरत है अनेबल करेंगे, कितनी क्वांटिटी हमारी टोटल 1550, तो 1550 देन 1। अब देखिए यहाँ पर साइज अलग हो गया, 200 आ रहा है, 190 100, लेकिन साइज हमारे पास इतना है ही नहीं, तो क्या करेंगे दोबारा कंट्रोल F दबाएंगे, फीचर ऑप्शन में जाएंगे, इन्वेंट्री के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से ऐड करेंगे साइज 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 132, देन आपका 110, ठीक है। इसमें देखो कलर हमारे पास वाइन है, रॉयल है, ब्लू रेड है, ब्लैक है, ब्लैक नहीं है हमारे पास, तो हमें यहाँ से ब्लैक भी ऐड करना पड़ेगा, देन आपका नेवी नहीं है, फोन के बाद ठीक है सेव कर दो, देन दोबारा जाएंगे वहां पर, देन अब देखिए साइज 1 200, देन कलर वाइन 110, देन 2 190, 120 रॉयल 120, 3 आपका 180 ब्लू 130, 4 आपका 170 रेड कितना 140, 5 आपका 160 ब्लैक कितना 150, 6 आपका 150 सी ग्रीन 140, 7 आपका 140 नेवी, नेवी नहीं है क्या, 130 सॉरी 160, आप लोग देख नहीं रहे हो ध्यान से, 160, 178, 130 फोन 189, 120 रेड 190, देन आपका 110, देन वाइट कितना तो खत्म हो गया, देन इसमें डिस्काउंट लेस करना है, तो इसमें डिस्काउंट कितना 1000 रुपये ऐड हो रहा है, हो रहा है ना ऐड हमारे पास डिस्काउंट, तो हमें एक नया बनाना पड़ेगा डिस्काउंट, किसके नाम से डिस्काउंट लेस के नाम से, और इसमें क्या कर देंगे सब्सक्रिप्टेड एंड देन अदर, और यहाँ से एब्सोल्यूट लेना और देन ओके, तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर इसको हटाइए और यहाँ से डाल दीजिए कितना 1000 रुपये, देन देखिए लेस हो गया, देन 110 आगे, देन नेक्स्ट। अब देखिए हमने अमित रॉ मटेरियल वाले से क्या माल खरीदा है, कितना 4 तारीख को जिसका बिल नंबर 117 160 है, पार्टी का नाम क्या है अमित, ये फीफो वाला नहीं आता, ये कल समझा दूंगा, वो तो
देन यहाँ पर चैन, देन चैन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, चैन पीस में रेट कितना है हमारा 2 रुपये। देन इसको नो करेंगे और सेव कितनी क्वांटिटी हमने 11,000, तो 11,000 डाल देंगे। देन इसको सेव करेंगे, देन सर हमारा मीटर में मीटर डालेंगे, रेट हमारा 10 रुपये तो 10 रुपये डालेंगे। देन ध्यान से इस पैरामीटर टॉपिक को नो कर देंगे, क्वांटिटी 5,000 रुपये। देन बटन F3 से क्रिएट करेंगे, देन इंटर पीस, देन 0.10 पैसे, देन इसको नो सेव, देन क्वांटिटी रिपीट केजी 10 रुपये। देन सेल परचेस करना है, वो पेज पलट देगा उस पर आ जाएगा डायरेक्ट। देन F9 रिपीट कितना 1,000। देन आपका F3 से टेप, टेप के बाद क्या है आपका टेप कितने में केजी कितना 20 रुपीस। देन इसको नो करेंगे, सेव करेंगे, देन आपका 1,000 रुपये बिल कितना, देखो कई मिस्टेक हो गई हमसे, 100 केजी ठीक है। तो 95,000 रुपये के साथ क्या लगा, 5,000 रुपये किराया लगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, कितना 5,000 रुपये। तो बिल का अमाउंट कितना हो गया 1,00,000 रुपये। देन सेव कर, हाँ बस अपना भी ऐड हो जाएगा, बस सेव ठीक है। देन ये आपका काम कंप्लीट हो गया। देन अब नई कंपनी में चलते हैं, कंपनी और बना के दिखाता हूँ। ये तो बात की बात है, आप ही बोल रहे हो ना, ये आप पर्चे पर्चे सिखा हुआ जी। देन अब आती है कैलकुलेटर कंपनी, इसमें आपको सेल प्राइस भी MRP भी, तो बस सेम करना है, क्या करना है कंट्रोल ऐप करना है, फीचर ऑप्शन में जानना है, इन्वेंट्री के अंदर कन्फिगर, बस दोनों पर टिक करना है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट यही है। देन नेक्स्ट सेम ये भी ऐसे ही है, फिर परचेज, तो आपका नॉर्मल आज परचेज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप बैठ के तीनों कंपनी की परचेज करके दिखाइए फटाफट, चाहिए आप लोग सर।